आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के डेफिनेट इंटीग्रेशन में से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल्स के 8 प्रॉपर्टीज हैं। आज उन 8 प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं, विल बी डिस्कसिंग दैट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद द प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स and you change that integral as any other function, suppose say z, it won't make any difference, the limits will remain same, even your answer will be same, koi farak nahi padta. Number 2, the second property, kehta agar aap is definite integrals ki jo limits hai unko aapas mein interchange kar dete hain, yani lower limit ko upper limit aur upper limit ko lower limit, then the sign changes, b to a f of x dx. Property number 3, अगर कोई भी definite integral है और कोई एक part c इन दो values a और b के बीच में आ जाता है, तो आप इनको change कर सकते हैं, कैसे, a to c f of x dx plus c to b f of x dx, and this is not for one value. अगर बहुत सारी और भी values आ जाती हैं, suppose कि इसके बीच में c1, c2, c3 and up to cn जितनी मर्जी values, तो they can be changed, a to c1, c1 to c2 plus c2 to c3 plus C3 to B, आप इसको कितना भी लिख सकते हैं. So you can change it, और बड़ी values यानी छोटे questions बना करके, छोटे limits put करके भी you can solve. So these are first three properties. Now let's move to property number 4. अगली property क्या कहती है? Fourth property जो है ये सबसे ज़्यादा use होने वाली property है हमारे पास. We'll be using it to the maximum, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी यही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इट सेज a टू b f ऑफ x dx, सो यू कैन राइट इट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, और यही सेम प्रॉपर्टी अगर 0 टू a f ऑफ x dx है, then you can write 0 to a f of a minus x dx. ये दोनों values, दोनों में से ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी, property number 4 ही है ये. अगर यह a to b और 0 to a, 0 to a में single आ गया, a to b में दोनों को plus करके limits को और minus x, तो they remains same. This is most important property, property number 4. Number 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, कहता है अगर आपके पास a टू b f ऑफ x प्लस g ऑफ x दो फंक्शंस हैं, उनका सम हो सकता है, मे बी डिफरेंस, सो यू कैन राइट देम डिफरेंटली, f ऑफ x dx प्लस माइनस a टू b g ऑफ x dx, इनको अलग-अलग करके आप सॉल्व कर सकते हैं. ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी था कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस प्लस में है, तो आप उन दोनों को ऐड करके डिफरेंशिएट करके, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल के ऐड करें या ऐड करके इंटीग्रेशन करें, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 6. नंबर 6 क्या कह रही है प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर कोई फंक्शन है माइनस a टू a f ऑफ x dx, it will be twice 0 to a f of x dx if f of x is even, or equal to 0 if f of x is odd. What is this even and odd? Even function kya hota hai hamare paas? Kehta agar f of minus x f of x के ही इक्वल आ जाए, then the function is even.
और ऑड अगर f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो देन इट इज ऑड। सो ये याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई प्लेसेस के ऊपर आपकी यूज होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 and 8। प्रॉपर्टी नंबर 7, जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये इक्वल होगा जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस जीरो टू ए f of 2a minus x dx. This is property number 7. Property number 8. 8 property कह रही है आपको कि अगर 0 to a है, 0 to 2a f of x dx is equal to, it will be twice 0 to a f of x if f of 2a minus x, f of 2a minus x अगर f of x के इक्वल आ जाता है तो, अदरवाइज इट विल बी जीरो अगर if f of 2a minus x minus of f of x से इक्वल आ जाता है। तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी की ही क्रॉलरी है एक तरीके से, अगर आप देखें ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये प्लस ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अगर ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो दोनों कैंसल एंड इक्वल टू जीरो। सो दीज आर एट प्रॉपर्टीज। सो नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज प्रॉपर्टीज। सो मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हाउ वी कैन यूज दीज प्रॉपर्टीज इन आर क्वेश्चंस। सो जो एक्सरसाइज 7.11 इट इज रिलेटेड टू आर एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द लिमिट इज 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, 0 to pi by 2 cos square x dx। Specially exams के अंदर ये नहीं लिखा आएगा that you have to use the properties and then solve, that you have to understand। आप जब भी definite integral करें please try on the properties first, उसके बाद अगर property कहीं नहीं use हो रही है then you have to solve it, जो हमने exercise 7.10 और 7.9 के अंदर करके देखा था। सो मैं इसका नाम दे देता हूं दैट दिस इज आई। अब हमें मालूम है दैट लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, बोथ आर इक्वल, सो इट विल रिमेन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर pi by 2 minus x dx. Cos 90 minus theta is sin theta. So, I will become 0 to pi by 2 sin square x dx. This is also I, this is also I. If I add both of them, it will become twice of I is equal to 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x dx, and we know that sin square x plus cos square x is 1, twice of I will become 0 to pi by 2 dx, and we know the integration of dx, that will come as x and the limit is 0 to pi by 2. Twice of I will be pi by 2 minus 0 and I will be equal to pi by 4. This is your answer.
आप इसको विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर सकते थे, बट प्रॉपर्टी यूज करके दिस हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपको मालूम है cos square को यू कुड हैव रिटन 1 plus cos 2a by 2, तो आप उससे भी सॉल्व करते आंसर आपका पाई बाय 4 ही आना था, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके दिस क्वेश्चन हैज बिकम वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी. सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7th खत्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2nd which says that the limit is 0 to pi by 2 under root of sin x by under root of sin x plus under root of cos x dx. Solve this. अब आप देखें, अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको नजर आता है, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट कि ये सारा अंडर रूट के अंदर है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रॉपर्टीज के साथ यूज करेंगे, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. सो आई एम ऑल्सो गिविंग दिस नेम एज आई. सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ a minus x dx. So here also we'll use that 0 to pi by 2 under root of sine pi by 2 minus x by under root sine pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x dx. Sine 90 minus theta is cos theta, cos theta sine theta. So this has become I is equal to 0 to pi by 2 under root cos x by under root cos x plus under root sin x dx. The denominator of both is same, but the numerator is different. हम इन दोनों को add कर लेते हैं, तो this will become twice of I is equal to 0 to pi by 2 under root of sin x plus under root of cos x by under root of cos x plus under root of sin x dx. And it is cancelled, क्योंकि numerator और denominator दोनों same हो गए हैं. So this has become twice of I 0 to pi by 2 dx means twice of I is equal to x pi by 2 0. So limit will put the limit pi by 2 and I will become pi by 4. So this is your answer and I'm hopeful कि ये property आपको बहुत अच्छे से clear होगी, क्योंकि maximum questions के अंदर this property is used. बाकी इन्हीं property से related हम और questions next video के अंदर करेंगे. Thank you very much.